ठाणे परिवहन सेवेवर प्रचंड खर्च करूनही गेल्या 10 वर्षात ही सेवा तोट्यात चालली आहे। परिवहन उपव्यवस्थापक दिलीप कानडे हे केवळ खुर्ची उभवण्याचे काम करीत आहेत। सदस्यांनी दिलेल्या पत्राला कानडे हे केराची टोपली दाखवित आहेत। शॉर्ट में बताइए कि आज जो परिवहन समिति के सभापति की आज ने मुलाकात की है, कौन से परिवहन के विषय आज बात हुई है और क्या बोलेंगे? आज हमारा एक डेलीगेशन मुमरा से हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र भट्ट साहब के आदेश अनुसार हम लोग यहाँ पे आए थे और आज हमारे व्यवस्थापक जी और हमारे चेयरमैन जोशी साहब से हमने मुलाकात किया। उसमें 3-4 सब्जेक्ट है, लेकिन जो सबसे अहम सब्जेक्ट है वो अहम सब्जेक्ट यह है कि यहाँ पे उप व्यवस्थापक मिस्टर कनाडे जी के बारे में हमारे जितने सदस्य साथी हैं उन सब की ये मांग है, और मैंने इसके बारे में एक खत भी लिखा है इसके पहले की मीटिंग में कि इनका यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे, यानी मैं अगर कहूँ तो पिछला 10 साल का रिकॉर्ड है कि 10 साल के अंदर जब से ये यहाँ पे हैं, जब से हमारी परिवहन समिति यानी परिवहन TMT का कभी ये नुकसान के अलावा फ़ायदे में नहीं आई। जब बजट आया तो मालूम नहीं पड़ा कि ये नुकसान में है, तो ये कहीं ना कहीं जो यहाँ पे नुकसान का मामला है या जिस तरीके का हम लोग यहाँ के सदस्य हैं, हम लोग अगर इन्हें कोई लेटर देते हैं कि मुमरा कलवा में ये काम करना है, जैसे हमने उनको तकरीबन आज 1 साल क्रॉस हो गया, 1.5 साल होने को आ गया है, हमको बनकर के यहाँ का सदस्य हमने इनसे मांग किया कि रेती बंदर के इलाके में बस स्टॉप शेड वाला लगाया जाए, ऐसे बहुत सारी मांगे हम लोग करते हैं, लेकिन कोई इनका रिप्लाई नहीं आता। तो ये सिर्फ यहाँ पे बैठ करके अपनी मनमानी करते हैं। इसके हिसाब से इनके ऊपर बहुत सारे ऐसे ब्लेम हैं, वो हमने पूरा खत में लिखा है, वो हमारे यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं हमने उनको व्यवस्थापक जी को बताया है। तो ऐसे लोगों को यहाँ से हटा दिया जाए, उनकी जगह पर उनका चार्ज किसी और को दे दिया जाए, ऐसी हमने मांगनी की है। और अगर मंडे को इसकी मांगनी पूरी नहीं हुई हमारी और मंडे को इन पर एक्शन नहीं हुआ, तो मैं शमीम खान, मैं परिवहन समिति सदस्य और मेरे साथी नितिन पवार, मेरे साथी मोहसिन शेख, मेरे साथी प्रकाश पाटिल और बाकी हमारे तमाम साथी जो भी हैं, सब मिलकर के हम लोग TMT के गेट के ऊपर इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे, ये मैं ऐलान करता हूँ। इस चीज़ों को देखते हुए व्यवस्थापक जी ने कहा है और चेयरमैन साहब ने कहा है कि हाँ आपकी बात सत्य है, उन पर एक्शन होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो हम ट्यूजडे को सुबह 11:30 बजे यहाँ पे उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ओके, थैंक यू।